अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एंट्री टेस्ट के हवाले से बुक वन का चैप्टर सेवन स्टार्ट करना है। और चैप्टर सेवन जो है बड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम चीजें डिटेल में जाके डिस्कस करूँ इस चैप्टर की। तो चैप्टर सेवन का जो नाम है, चैप्टर नंबर सेवन, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हम बात करेंगे परम्यूटेशन पे, हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन पे। अच्छा, परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है, एक जनरल आइडिया आपको बताने लगा हूं कि परम्यूटेशन से क्या मुराद है। परम्यूटेशन है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट। परम्यूटेशन रिप्रेजेंट्स द अरेंजमेंट। यहां पर बात करो अरेंजमेंट, अगर हम इसको सिंपल इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो मीन परम्यूटेशन मीन्स अरेंजमेंट। कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी चीजें हैं, अगर आप उनको अरेंज कर रहे हैं तो इट्स मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट परम्यूटेशन। और कॉम्बिनेशन से मुराद क्या है? कॉम्बिनेशन से मुराद है सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो इट्स मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन में हम अरेंजमेंट की बात करते हैं और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन की बात करते हैं। और मेरी बात सुनिएगा, अब मैं सबसे पहले परम्यूटेशन की बात करता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि ट्रायंगल है हमारे पास, यहां पर इसके थ्री कॉर्नर्स। इस ट्रायंगल के कितने कॉर्नर्स है? तीन कॉर्नर्स। इन कॉर्नर पॉइंट्स को, इन वर्टिसेस को मैंने नाम देना है किसमें से चुन के, ए बी एंड सी। इन तीन में से मैंने अरेंज करना है किसको, इसके ट्रायंगल के नाम को। ट्रायंगल एबीसी भी हो सकती है, ट्रायंगल सीबीए भी हो सकता है, ट्रायंगल का नाम बीएसी भी हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो यहां पर मैं बना रहा हूं आपके सामने। तो बेसिकली अगर मैं एक होता, बेसिकली तीन प्लेसेस पे नाम बनेगा ना। कितनी प्लेसेस पे? तीन प्लेसेस पे नाम बनेगा। मेरी बात जरा गौर से सुने, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हमें एक ट्रायंगल के नाम को अरेंज करना है। एक ट्रायंगल के नाम के लिए हमारे पास तीन अल्फाबेट्स हैं, ए बी सी, और तीन ही कॉर्नर्स हैं। इन ए बी सी की हमने क्या करनी है? अरेंजमेंट करनी है। इन ए बी सी की क्या करनी है? अरेंजमेंट करनी है। और उस अरेंजमेंट के लिए हमारे पास कितनी प्लेसेस हैं? तीन। देख लें, ये नंबर वन प्लेस है, ये नंबर टू प्लेस है, और ये नंबर थ्री प्लेस है। समझ रहे मेरी बात को? तो हमें इन तीन अल्फाबेट्स की अरेंजमेंट करनी है इन प्लेसेस पे। उन प्लेसेस को मैंने यहां पर शो कर दिया है। ये प्लेस नंबर वन है, ये प्लेस नंबर टू है, ये प्लेस नंबर थ्री है। ये तीन प्लेसेस हैं मेरे पास। ये वन टू थ्री क्या किस चीज को प्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ प्लेसेस को। तो मैं क्या करने लगा हूं? मैं अरेंज करने लगा हूं इन तीन अल्फाबेट्स को तीन प्लेसेस पे। और मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इन तीन अल्फाबेट्स को इन तीन प्लेसेस पे कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? हाउ मेनी वेज आर देयर टू अरेंज दीज थ्री अल्फाबेट्स? तो बेसिकली क्या करने जा रहे हो? अरेंजमेंट करने जा रहे हो। किसकी? अल्फाबेट्स की। और अगर आप अरेंजमेंट कर रहे हो किसी भी चीज की, इट्स मींस यू आर टॉकिंग अबाउट परम्यूटेशन। क्योंकि परम्यूटेशन किसको, क्या चीज है? बेसिकली अरेंजमेंट है। वो किसी भी चीज की अरेंजमेंट हो सकती है। इस वक्त मैं आपको के सामने जो एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, अरेंजमेंट किसकी है? तीन अल्फाबेट्स की। और वो अरेंज करके हमने क्या बनाना है? इस ट्रायंगल का नाम बनाना है। तो वो कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं? अच्छा, अब सुने, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट प्लेस पर ए को रखता हूं, यहां पर मैं बता रहा हूं, फर्स्ट प्लेस पर क्या रखता हूं? ए को। इस फर्स्ट प्लेस पर मैंने ए रखा। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट प्लेस पर तो मैंने ए फिक्स कर दिया, ए को मैंने सिलेक्ट किया। अब यहां पर भी मेरी बार बार गौर से सुनिएगा, ए को पहले सिलेक्ट किया ना, और उसको फर्स्ट प्लेस पर अरेंज कर दिया। क्या किया मैंने पहले? सिलेक्शन किया या अरेंज किया? मैंने पहले सिलेक्शन किया, कॉम्बिनेशन। तो असूलन हमें क्या करना चाहिए? हमें कॉम्बिनेशन को पहले और परम्यूटेशन को बाद में डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि
सिलेक्शन हम पहले करते हैं और अरेंजमेंट बाद में करते हैं। मैं कह रहा हूं कि ए जो है इसको सिलेक्ट करें, फर्स्ट प्लेस पे रख दें, अरेंज कर दें। अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं, कितनी प्लेसेस बची हैं? दो प्लेसेस बची हैं। फर्स्ट प्लेस पे तो मैंने किसको अरेंज कर दिया? ए को। ए को सिलेक्ट किया और अरेंज कर दिया फर्स्ट प्लेस पे। अब मेरे पास दो प्लेसेस बची हैं और उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए मैंने दो एरोज लगाए। अब बचे बी और सी। अब जरा मेरी बात सुने, ए को फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, अब हमारे पास बी और सी हैं। दो पॉसिबिलिटीज हैं, बी को मैं सेकंड प्लेस पे रखूं और सी को थर्ड प्लेस पे, या फिर सी को सेकंड प्लेस पे रखूं बी को थर्ड प्लेस पे। तो हमारे पास ये ए को अगर फर्स्ट प्लेस पर अरेंज करते हैं तो ये दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं, यानी कि ए बी सी भी आप इस ट्राइंगल का नाम रख सकते हैं, ए सी बी भी आप इस ट्राइंगल को जो है इस ट्राइंगल का नाम बना सकते हैं। अगर मैं बी को, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि बी को फर्स्ट प्लेस पर रख दूं, तो भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी? कि सेकंड प्लेस पे और थर्ड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे ए को रख दें और थर्ड प्लेस पे सी को रख दें, या फिर क्या हो सकता है, सेकंड प्लेस पे सी को रख दें और थर्ड प्लेस पे ए को रख दें। तो ये दो अरेंजमेंट्स भी बन सकती हैं, बी ए सी भी कह सकते हैं और बी सी ए भी कह सकते हैं। इसी तरह अगर मैं सी को फर्स्ट प्लेस पर अरेंज कर दूं तो अब भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि हमारे पास दो प्लेसेस बची हैं और पहली प्लेस पे मैं ए रख दूं, दूसरी प्लेस पे बी। फर्स्ट प्लेस पे हमने किसको अरेंज किया? सी को। तो दो प्लेसेस बची, सेकंड और थर्ड, सेकंड पे ए को रख दें और थर्ड पे बी को रख दें, या फिर सेकंड पे बी को रख दें और थर्ड पे ए को रख दें। ये बेसिकली हमारे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अरेंजमेंट्स बनती है। मैंने बनाकर दिखा दी आपको, क्या किया है, बनाकर दिखा दी है। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, वो कौन कौन सी हैं मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं। ये भी मैंने सारा डिटेल में आपके सामने किया है। एक पॉसिबिलिटी है नंबर्स को अरेंज करने की, एक नाम बन सकता है ए बी सी, एक नाम बन सकता है ए सी बी। यहां से देख लिख रहा हूं, ए बी सी ए सी बी, सिमिलर बी ए सी बी ए सी और सी ए बी, सिमिलर सॉरी बी ए सी एंड बी सी ए, क्या बन रहा है बी सी ए। सिमिलर और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, सी ए बी सी ए बी और सी बी ए सी बी ए। तो इन 6 तरीकों से आप इन 3 अल्फाबेट्स को अरेंज कर सकते हैं, किसमें, इस ट्राइंगल के नाम के लिए। दीज 3 अल्फाबेट्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 वेज, और वो 6 वेज कौन से होते हैं मैंने आपके सामने बनाकर दिखा दिए हैं। आपसे वो अरेंज करने के लिए नहीं कहेगा पेपर, वो नंबर ऑफ वेज पूछेगा। तो हाउ मेनी वेज टू अरेंज दीज 3 अल्फाबेट्स फॉर द नेम ऑफ दिस ट्राइंगल, देर आर 6 वेज, काउंट करके देख ले, मैंने बनाकर दिखा दी है। इज दैट क्लियर? अच्छा अब सुने, अब अगर ये तो मैंने सामने आपके अरेंजमेंट करके दिखा दी है ना, और अरेंजमेंट करने के बाद हमें पता चला नंबर ऑफ वेज हमारे पास 6 है। अगर क्वेश्चन इस तरह से हो, हाउ मैनी वेज, हाउ मैनी वेज टू अरेंज, क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है, हाउ मैनी वेज आर टू अरेंज 3 अल्फाबेट्स, 3 अल्फाबेट्स ए बी एंड सी फॉर द नेम ऑफ ट्राइंगल। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, ट्राइंगल के नेम के लिए, इसको अरेंज करने के लिए कितने वेज हैं। तो हमें पता है कि तीनों नंबर्स, तीनों अल्फाबेट्स जो हमने एट ए टाइम लेने हैं, ट्राइंगल पे कितनी प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस हैं। वो 3 प्लेसेस मैं यहां पर बना रहा हूं, वो 3 प्लेसेस जो है वो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे बना रहा हूं। तो सुने,
फर्स्ट प्लेस को फिल करने के, ये पहली प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं तो मुझे बताएं। फर्स्ट प्लेस पे मैं, ये पहली पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूं, फर्स्ट प्लेस पे मैं ए रख सकता हूं, फर्स्ट प्लेस पे मैं बी रख सकता हूं, फर्स्ट प्लेस पे मैं सी रख सकता हूं। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट प्लेस को फिल करने के मेरे पास थ्री वेज है। पहली प्लेस को, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के मेरे पास नंबर ऑफ वेज जो है वो कितने हैं, थ्री वेज है। देर आर थ्री वेज टू फिल द फर्स्ट प्लेस। तीन वेज कैसे हैं बताएं। मैं फर्स्ट प्लेस पे ए को भी रख सकता हूं, मैं फर्स्ट प्लेस पे बी को भी रख सकता हूं, मैं फर्स्ट प्लेस को सी पे, फर्स्ट प्लेस पे सी को भी रख सकता हूं। ये करके तो दिखाया, फर्स्ट प्लेस पे ए भी रख सकते हैं, बी भी रख सकते हैं, सी भी रख सकते हैं। अब हमारे पास इनमें से एक अल्फाबेट तो एडजस्ट हो गया, अब प्लेसेस कितनी बची हैं, दो। अब सेकंड प्लेस की बात करते हैं, सेकंड प्लेस की बात करते हैं। तो मुझे जरा एक बात बताएं, अब मेरे पास पहला अल्फाबेट तो फर्स्ट प्लेस पर एडजस्ट हो गया, वो इन तीनों में से हमने कोई एक किया होगा। अब मेरे पास अल्फाबेट्स कितने बचे हैं, मेरे पास अल्फाबेट्स बचे हैं दो, और सेकंड प्लेस को फिल करने के मेरे पास वेज भी कितने होंगे, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, यहां पर एक अल्फाबेट लिख लूं या दूसरा लिख लूं। तो देयर आर टू वेज टू फिल द सेकंड प्लेस। अब दो अल्फाबेट्स एडजस्ट हो चुके हैं, अब मुझे अगर तीसरा अल्फाबेट एडजस्ट करना है, थर्ड अल्फाबेट एडजस्ट करना है, तो वो एक ही है। और इस लास्ट प्लेस को, जो थर्ड प्लेस है मेरे पास, लास्ट प्लेस जो है इसको फिल करने के हमारे पास कितने वेज हैं, देयर इज ओनली वन वे, क्योंकि हमारे पास अल्फाबेट भी क्या है, एक। तो थ्री टू वन, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना आता है, सिक्स। थ्री टू जा सिक्स, तो देयर आर सिक्स वेज, देयर आर सिक्स वेज टू अरेंज दीज थ्री अल्फाबेट्स फॉर द नेम ऑफ ट्राइंगल। तो हमने भी कितने वेज बनाकर, यहां पर तो मैंने बनाकर दिखा दिए, इधर आपको क्वेश्चन में सिर्फ नंबर ऑफ वेज बताने, क्या बताने हैं, नंबर ऑफ वेज बताने। समझे मेरी बात को, बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बेसिकली यहां पर मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने अभी अरेंजमेंट का करूंगा और मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। हमें अगर किसी चीज को अरेंज करना है तो हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनते हैं हमारे पास, वो देखने के लिए कुछ इस तरह का मेथड यहां पर यूज करेंगे। मैं आपके सामने एक और एमसीक्यू करता हूं, यहां पर देखिएगा। अच्छा, ये बेसिकली थ्री टू वन, ये देख रहे हैं, थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन, ये क्या है, सिक्स। और ये बेसिकली क्या होता है, थ्री फैक्टोरियल होता है, ये क्या होता है, थ्री फैक्टोरियल। इसी तरह अगर मेरे पास फोर फैक्टोरियल हो तो वो क्या होता है, फोर मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय वन, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, समझ रहे। तो जब भी आप फैक्टोरियल ओपन करते हैं, यही पे मैंने आपको सोचा कि आपको फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा बता दूं, बड़ा आसान सा काम है। जस्ट अगर मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, मुझे फाइव का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर, एक कम करते जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय फोर में से एक काम करें थ्री, मल्टीप्लाई बाय थ्री में से एक काम करें टू, मल्टीप्लाई बाय टू में से एक काम करें वन। तो ये मेरे पास क्या आ गया, फाइव का फैक्टोरियल आ गया। लेट सपोज मुझे सिक्स फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो सिक्स मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय आगे क्या आना है, थ्री। अच्छा, मैं इसको चाहूं तो रोक भी सकता हूं, यहां पर फैक्टोरियल वापस लगा दो, तो जहां पर फैक्टोरियल को आप रोकना चाहे रोक सकते हैं। सिमिलर एन फैक्टोरियल आ जाए, तो n फैक्टोरियल क्या होता है, n मल्टीप्लाई बाय, एक काम करना है ना, n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय n माइनस थ्री, जहां पे आप इसको रोकना चाहो रोक सकते हो। तो ये बेसिकली क्या है, मेरे पास n फैक्टोरियल है, इज दैट क्लियर। तो ये कुछ चीजें आप याद रखिएगा। मैं एक और एमसीक्यू यहां पर आपके साथ डिस्कस करता हूं ताकि आपके को क्लियर हो जाए। तो परम्यूटेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं किसकी, चीजों की। यहां पर मैं एक एमसीक्यू आपके सामने लिखता हूं,
हाउ मैनी वर्ड्स यहां पर How many words? How many words can be formed from the letters of word Qasim using all letters at a time when no letter is to be repeated. कोई भी letter repeat ना हो, alpha option उसने बता दी 120, beta option उसने बता दी 60, ना भी बताए तो हमने तो इसको solve करना ही है, 20, delta, none of these. None of these. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को मैं पहले अपने जनरल वे में डिस्कस करता हूं. हाउ मैनी वर्ड्स, आपने बताना है कि कितने वर्ड्स बनेंगे फ्रॉम द वर्ड कासिम. कासिम के जो लेटर्स हैं, जिस तरह हमारे पास पहले लेटर्स क्या थे, ए बी और सी, आज लेटर्स हमारे पास क्या हैं, क्यू ए एस आई एम, कासिम. समझ लें, इन लेटर्स को अरेंज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं. हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, बनाए जा सकते हैं बाय अरेंजिंग दीज अल्फाबेट्स क्यू ए एस आई एम यूजिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम. वहां पर एबीसी था और तीनों ही हमने एट अ टाइम यूज किए थे, ए बी 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 और सी बी, तीन प्लेसेस बनी थी. आज वो कह रहा है यूजिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम, हर लेटर को आपने एक वक्त में यूज करना है. कितने लेटर्स हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, देयर आर 5 लेटर्स, मींस हमने 5 प्लेसेस को फिल करना है यूजिंग दीज लेटर्स. हमारे पास कितनी प्लेसेस बनेंगी, हमारे पास 5 प्लेसेस बनेंगी. ये मैंने आपके सामने बना दी इन जनरल वे में, मैं इसको आपके सामने सॉल्व कर, 1, 2, 3, 4, 5, वी हैव 5 प्लेसेस जिसमें हमने इन लेटर्स को अरेंज करना है, क्यू ए एस आई एम, ये 5 लेटर्स है. व्हेन नो लेटर इज रिपीटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा. एक लेटर जब आपने एक बार यूज कर लिया एक प्लेस में, तो फिर आगे वाली किसी प्लेस में हम उसको यूज नहीं कर सकते. तो मुझे जरा एक बात बताओ, फर्स्ट प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं, मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं ये फर्स्ट प्लेस को फिल करूं इन लेटर्स के साथ. मेरे पास लेटर्स कितने हैं, 5. हो सकता है मैं फर्स्ट प्लेस पे क्यू रखूं, हो सकता है मैं फर्स्ट प्लेस पे ए रख लूं, हो सकता है कि पॉसिबल है कि मैं फर्स्ट प्लेस पे एस रखूं, हो सकता है मैं फर्स्ट प्लेस पे आई रखूं, हो सकता है कि मैं फर्स्ट प्लेस पे एम रखूं. यानी कि फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास 5 पॉसिबिलिटीज हैं. देयर आर 5 वेज आई कैन फिल दिस फर्स्ट प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर फर्स्ट प्लेस पर क्यू भी रख सकता हूं, ए भी रख सकता हूं, एस भी रख सकता हूं, आई भी रख सकता हूं, एम भी रख सकता हूं. आई हैव 5 ऑप्शंस टू फिल दिस प्लेस. तो देर आर 5 वेज, तो वो नंबर ऑफ वेज, ये 5 क्या है, नंबर ऑफ वेज है. फर्स्ट प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज मेरे पास 5 है जो मैंने यहां पर फिल कर दिया. अब उन 5 में से कोई एक लेटर मैंने इधर लिखना है. अब कितने लेटर्स बच गए मेरे पास, 4 लेटर्स बच गए, एक तो यहां पर आ गया. अब सेकंड प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं, लेटर्स 4 हैं तो वेज भी कितने होंगे, 4. इसी तरह थर्ड प्लेस को फिल करने के मेरे पास 3 वेज हैं,
फोर्थ प्लेस को फिल करने के मेरे पास टू वेज हैं, इसी तरह लास्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक लेटर बचा होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? 5, 4, 3, 2, 1 पहली प्लेस, पांच लेटर्स थे मेरे पास, पांच में से कोई एक लेटर मैं इधर लिख सकता हूं। जब मैंने वो एक लिख दिया तो बाकी कितने बच गए? चार। तो सेकंड प्लेस को फिल करने के मेरे पास चार पॉसिबिलिटीज है, थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज है। जब थर्ड प्लेस पे तीन लेटर्स तो रेंज हो चुके हैं, बाकी दो बचे हैं, तो सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए दो वेज हो। तो ये इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर लूं, ये क्या है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये बेसिकली 5 फैक्टोरियल बनता है। 5 × 4 = 20, 20 × 3 = 60, 2 = 120 सो देयर आर 120 वेज। ये ऑप्शन अल्फा बनेगी हमारे पास, देयर नो लेटर इज रिपीटेड। और आपको पता है परम्यूटेशन का फॉर्मूला पढ़ के आए, वो क्या होता है? एन पी आर दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। n क्या है? टोटल नंबर्स है। n क्या है? टोटल अल्फाबेट्स हैं या नंबर्स हैं। तो टोटल कितने हैं? 5 ओवर, अब मैं आपको फॉर्मूले की मदद से भी बता रहा हूं, इन जनरल भी मैंने आपको बता दिया। अब n कितना है? 5 माइनस r क्या होता है? r नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम। एक टाइम में आप कितने ऑब्जेक्ट्स ले रहे हो? सारे, मुझे बताए ना, पांचों के पांचों यूज नहीं ना यूज कर रहे हो। तो 5 − 5 फैक्टोरियल, तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल। 5 − 5 0, 5 फैक्टोरियल हमें ये भी कैलकुलेट करके आया 120 ओवर 0 फैक्टोरियल होता है 1, 120 / 1 तो 120। तो ये हमारे पास रिजल्ट अब भी क्या आ रहा है? 120 आ रहा है। तो मैं नॉर्मली क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया कर, फॉर एमसीक्यूज ये आसान हो जाता है। यहां पर देखिएगा, आप इसको फॉर्मूले की मदद से भी कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखिएगा, अगर वर्ड व्हेन नो लेटर इज रिपीटेड की जगह होता, यहां पर लिख रहा हूं रेपिटिशन इज अलाउड, इफ रेपिटिशन इज अलाउड, यानी कि अगर आपने एक मर्तबा Q को यूज कर लिया फर्स्ट प्लेस पे या सेकंड प्लेस पे, तो आप Q को आप दोबारा यूज कर सकते हो। ये इसका मतलब ये है, रेपिटेशन इज अलाउड। Q अगर आपने एक प्लेस पे इनमें से किसी में यूज किया है तो आपको इजाजत है कि आप रिपीट कर लें किसी लेटर को। अगर मैंने A को यूज किया तो मुझे इजाजत है कि मैं A को रिपीट करो। जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसमें था कि रेपिटेशन अलाउ नहीं है, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं कि रेपिटेशन अलाउ है तो कितनी प्लेसेस है हमारे पास? 5 अल्फाबेट्स है ना, देयर आर 5 अल्फाबेट्स, तो वी हैव 5 प्लेसेस टू फिल। अब अगर रेपिटेशन अलाउ है तो पहली प्लेस को फिल करने के कितने वेज हो सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है? 5। अब अगर इधर कोई नंबर मैंने लगा दिया है तो अभी भी 5 नंबर ही मेरे पास मौजूद है। सेकेंड प्लेस को फिल करने के भी 5 फेज हो सकते होंगे, थर्ड प्लेस को भी, फोर्थ प्लेस को भी, फिफ्थ प्लेस को भी। यहां पर रेपिटेशन अलाउ नहीं थी जब हमने फर्स्ट प्लेस पे एक नंबर एडजस्ट कर दिया, अब उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, नो रेपिटेशन इज अलाउड। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या अब हमारे पास अल्फाबेट्स 4 हैं? क्योंकि एक हम इस प्लेस पर एडजस्ट कर चुके होंगे इन 5 में से एक, तो बाकी कितने बच गए? 4। तो हमने 4 से शुरू किया, फिर 3 पे आया, फिर 2 पे, फिर 1। लेकिन जब रेपिटेशन अलाउ है तो जब आपने एक एडजस्ट कर दी है तो इसका मतलब आप उसको दोबारा भी यूज कर सकते हो। यू हैव अगेन 5 वेज, देन अगेन 5 वेज, फिर 5 वेज, फिर 5 वेज, तो ये बन जाएगा 5 raised to power 5। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 raised to power 5 ये बन जाता है, मैंने इधर कैलकुलेट करके रखा हुआ है 3125। देयर आर 3125 वेज टू अरेंज दीज अल्फाबेट्स व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। 3125 तरीकों से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। तो क्लियर हुआ बेसिकली कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आज मैंने कुछ हिस्सा परम्यूटेशन का डिस्कस किया, अब मैं क्वेश्चन वाइज एमसीक्यू वाइज इसके जो है कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करता जाऊंगा। होप सो ये आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि परम्यूटेशन क्या है? अरेंजमेंट है, और अरेंजमेंट हमने ऑब्जेक्ट्स की करनी होती है, अरेंजमेंट हमने
कोई अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कोई नंबर्स की अरेंजमेंट हो सकती है, तो वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही होती है। पहली कि वो टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, वो टोटल अल्फाबेट्स जितने हैं वो, और एट अ टाइम हमने यूज कितने करने हैं। टोटल अल्फाबेट मैंने आपको बताया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एन, और एट अ टाइम आपने यूज कितने करने हैं आर। हो सकता है कि मैं कहूं जी ये पांच अल्फाबेट्स हैं, टेक एट अ टाइम थ्री अल्फाबेट्स, तो एन तो मेरे पास क्या हो गया फाइव, लेकिन आर कितना है थ्री, क्योंकि एट अ टाइम मैं कितने यूज कर सकता हूं थ्री, और मुझे देखना है कि तीन अल्फाबेट्स के साथ लेटर आप कितने बनेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लेसेस जो है वो तीन होंगी। नंबर ऑफ प्लेसेस क्या होंगी, तीन, क्योंकि हम एट अ टाइम तीन अल्फाबेट्स को यूज करके अरेंजमेंट को करेंगे। इज दैट क्लियर। तो एन इक्वल टू फाइव, पहली प्लेस को फिल करने के हमारे पास फाइव प्लेसेस हों, फाइव वेज है क्योंकि हमारे पास फाइव है, और नेक्स्ट प्लेस को फोर वेज होंगे थ्री, तो बेसिकली फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी थ्री जा सिक्सटी, सिक्सटी वेज है कि हम इन अल्फाबेट्स को तीन प्लेसेस पर अरेंज कर लें। लेकिन ये जो भी मैंने क्वेश्चन किया था उसने कहा था टेक फ्रॉम द वर्ड यूजिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम, ऑल लेटर्स को एट अ टाइम यूज करना। अगर वो कहे थ्री लेटर्स को एट अ टाइम यूज करना तो आप तीन प्लेसेस बनाओगे, अगर वो कहे दो लेटर्स को एट अ टाइम यूज करना तो आप दो प्लेसेस बनाओगे। अच्छा एक और चीज ऑब्जर्व करें, जब आप एन और आर को इक्वल ले रहे हो, यानी कि जितने अल्फाबेट्स हैं उतने ही आप एट अ टाइम यूज कर रहे हो, पांच के पांच, तो डिनोमिनेटर क्या बन रहा है, समझ आ रही बात की, डिनोमिनेटर जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है वन, तो यानी कि अगर ये वाली सिचुएशन हो एन इक्वल टू आर वाली, तो फिर इसने तो क्या हो जाना है जीरो फैक्टोरियल, तो एनपीआर फिर किसके इक्वल हो जाएगा, जस्ट एन फैक्टोरियल, समझ आ रही है। तो अगर एन और आर इक्वल हो जाए तो हमारे पास एनपीआर किसके इक्वल हो जाता है, एन फैक्टोरियल के। तो ये डिनोमिनेटर अगर आप नहीं भी लिखोगे तो इसमें तो वन बन जाना है, आप सिर्फ एन फैक्टोरियल को सॉल्व कर दो। इज दैट क्लियर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसे मजीद आगे बात करें।